Welcome to my channel. I am Sahani and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी की के का वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर प्लस आपके इस साल के वन मार्कर एग्जाम के लिए ये टर्म वन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें से वन मार्कर्स बहुत आ सकते हैं अगर आपको पूरी एस एस टी का सिलेबस पढ़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है मैं सारी एसिस पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे इंग्लिश पढ़नी है साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्वेश्चन तो यू कैन टेक चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड आज हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी इन अ वेरी डिटेल्ड वे सो स्टार्ट चैप्टर तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ने का इसमें सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी तो बेसिकली यार अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना तो जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही हो या किसी कंट्री की इकोनॉमी चल रही हो वो तीन सेक्टर्स में बंदी होती है कौन से होते हैं वो तीन सेक्टर जो सिक्स क्लास में आप एंटर करे थे तभी आपने पढ़ लिए थे बेसिकली जो इकोनॉमी एक्टिविटीज होती है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है वो सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं सेकेंडरी सेक्टर कौन सा हो गया हमारा वही सही कह रहे हो तुम तो, मैन्युफैक्चरिंग वाला जिसमें जो है अलग अलग इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट बना देती है एंड देन आता है हमारा टर्सरी सेक्टर जो हमारे सर्विस प्रोवाइड होते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन छोटे होते हुए हमें दो ही एग्जाम्पल याद करने होते हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बट और भी एग्जाम्पल्स आज हम इसमें पढ़ेंगे द टर्सरी सेक्टर बहुत वाइड होता जा रहा है आजकल नए नए टाइप की सर्विसेज जो है जो आती जा रही है टर्शरी सेक्टर में जस्ट लाइक जोमेटो जब तुम्हें भूख लगते है तुम जोमेटो स्क्विग्गी करके अपने लिए खाना मंगा लेते हो वो क्या है वो सर्विस प्रोवाइडर्स ही तो है यू आर जस्ट गिविंग द ऑर्डर एंड यू आर गेटिंग योर डिलीवरी तो वो क्या करें आपको सर्विस हैं तो आज के समय पर सेक्टर बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया है तो वही सब हमें इस चैप्टर में आज पढ़ना है तो क्या पढ़े है? हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी पढ़े हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी दैट इंडिया में कैसे सेक्टर्स को क्लासीफाई करा गया है। तो जैसे आ, पूरे वर्ल्ड में होता है जैसे इकोनॉमिक्स में होता है वैसे ही इंडिया में भी हमने जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में डिवाइड करा है पहला प्राइमरी जिसमें हमारे किसान भाई आते हैं दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें जो है मैन्युफैक्चर करा जाता है किसी भी रॉ मटेरियल से एक गुड को एंड थर्ड हमारा टर्शरी सेक्टर तो लेट्स स्टार्ट द प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट तो देखो प्राइमरी सेक्टर की ऐसी डेफिनेशन आपको गिवन होगी है ना द सेक्टर विच मेक प्रोडक्ट्स बाय एक्सपर्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज और तुम्हें चार ऑप्शन दे, दे देंगे कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है प्राइमरी सेक्टर की सेकेंडरी की टर्सरी की या कॉर्टिनरी की तो तुम्हें जो है अगर डेफिनेशन याद होगी तो तुम प्राइमरी पर टेक कर दोगे ठीक है तो इसलिए डेफिनेशन याद नहीं करनी डेफिनेशन को समझना है क्या होता है प्राइमरी सेक्टर तो देखो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके यहाँ वर्ड यूज़ करा गया एक्सप्लॉइट बट बेसिकली यूज़ करके जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम किस में डालते हैं

नेचुरल रिसोर्सेज तो इसीलिए जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ या एक्सप्लॉयड करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते है? हैं प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी मानते हैं चीज़ उसको जो है ब्लैक सॉइल पर उसने बुईज बो दिए हैं उसके बाद उसे क्या चाहिए पानी चाहिए पानी क्या है पानी भी नेचुरल रिसोर्स है उसके बाद उसे सनलाइट चाहिए सनलाइट क्या है सनलाइट भी नेचुरल रिसोर्स है तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में ठीक है अब जो ये प्राइमरी सेक्टर होता है ना ये बेस होता है एनी वी आर हैविंग उसका जैसे कि ये टॉप मैंने पहन रखा है ये टॉप क्या है ये कॉटन का टॉप है ठीक है ब्लैक कलर का कॉटन का टॉप है अभी मॉल से लेकर आई थी थोड़े समय पहले ठीक है जाके तो भाई अब ये जो कॉटन का टॉप है ये किससे बना है कॉटन से बना है तो वो कॉटन किसने उगाई थी एक फार्मर ने उगाई थी अपने खेत पे फिर क्या हुआ ये कॉटन गई एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटीरियल रॉ कॉटन गई ना अब फार्मर ने टॉप थोड़ी बनाया फार्मर ने क्या करा एक फैक्ट्री वाले को सारी की सारी कॉटन बेच दी और उस फैक्ट्री वाले ने मिल वाले ने जो है कॉटन से मेरे लिए टॉप बना दिया अब क्या मैं फैक्ट्री से जाकर टॉप फैक्ट्री से जाकर लेकर आई थी जिस थिंग नहीं मैं कहाँ से लाई थी मॉल से लेकर आई थी तो अब यूजली यही होता है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है रॉ मटीरियल है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होता है फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है फिनिश प्रोडक्ट होता है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनता है और देन थर्ड क्या होता है हमारा किसी ट्रक में बैठ कर या किसी और ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी वैन में बैठ कर मेरा ये टॉप मॉल तक पहुँचा और वहाँ से जाके जो है मैंने उसे खरीद लिया तो ये जो ट्रक से ले मॉल तक मेरा टॉप पहुँचा वहाँ पर आ जाता है हमारा टर्शरी सेक्टर जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हो रहा है तो इसी तरीके से हमारे वर्ल्ड में इंडिया में और हर जगह पर जो कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसका जो बेस प्रोडक्ट है वो हमारा एग्रीकल्चर या फिर आपको प्राइमरी सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो आपके पास कोई नोटबुक है आप बिस्किट खाते हो रोज तो बिस्किट के लिए आटा जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है फिर जो है बिस्किट आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाके बनता है किसी फैक्ट्री में किसी बेकरी में और क्या होता है फिर वो आपका फाइनल प्रोडक्ट की तरह एक शॉपकीपर के पास आता है और आप जाके ले आते हो तो बेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बेसिकली टेकन हो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स का जो बेस होता है या फिर रॉ मटेरियल होता है वो हमें प्राइमरी सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है और कौन सी एक्टिविटी आती है हमारे प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग आती है देखो माइनिंग में भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज जैसे इंपॉर्टेंट जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको अर्थ में से बाहर निकालते हैं तो इसीलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर होता है अब बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटी आती है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर डेरी फिशिंग फॉरेस्ट्री माइनिंग ये सब आती हैं और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर आता है ना हमारे प्राइमरी सेक्टर में इसलिए कभी कभी प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोल दिया जाता है रिमेंबर फॉर द एम अब मेरा टॉप तो के लिए कॉटन जो फार्मर ने उगा दी थी तो फिर वो वो तो टॉप की कॉटन गा गई थी किसी फैक्ट्री में गई थी किसी इंडस्ट्री में गई थी है ना तो अब जो वो इंडस्ट्री में जाती है तो वहीं से हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है वो शुरू हो जाता है तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एक यूजेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देता है जो रॉ कॉटन थी उससे जो है मेरे लिए एक टॉप रेडी कर दिया किसी एक इंडस्ट्री वाले ने ठीक है तो इसलिए जो जितने भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बना देती है नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करके क्या है आप जैसे कोई बिस्किट खा रहे हो आप रोज अगर आप आ, क्या लेकर आए ले हो अपने लिए सपोज करो ब्रेड लेकर आए हो ठीक है तो फार्मर ने क्या करा फार्मर ने वीट उगाई ठीक है अब आप डायरेक्टली वीट तो नहीं खाते हो ठीक है हाँ आटा गूंधते हो रोटी बनाते हो अलग चीज़ है बट इफ़ यू स्पेसिफिकली वॉन्ट टू ईट ब्रेड तो वीट से बनती है ब्रेड ठीक है तो वो वीट डायरेक्टली थोड़ी आप खा लोगे ऑब्वियसली किसी फैक्ट्री में जो है okay वीट से ब्रेड बनी होगी तो वो जो सेकेंड फॉर्म मिलता है ना वो सेकेंडरी सेक्टर में मिलता है ओके okay. और ये जो सेक्टर है इट इंक्रीजेज़ द वैल्यू ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि वीट एक नेचुरल प्रोडक्ट था यू के नॉट कंज्यूम इट लाइक दिस ओनली तो इसलिए जो हमारा फैक्ट्री वाले हैं वो कुछ वीट जो उनके पास है उससे ब्रेड बना दी किसी से बिस्किट बना दी किसी से पाई बना दी किसी से केक बना दिया अलग अलग फॉर्म्स में उसको कन्वर्ट कर दिया एक वैल्यू डाल दी सिंपल से वीट के अंदर और फिर हमने उसको मज़े से खाया ठीक है तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे एक रॉ कॉटन थी उससे मेरे लिए बढ़िया सा टॉप बना दिया ठीक है आपके लिए शर्ट बना दी इसीलिए जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसको यह भी बोला जाता है दैट इट एड वैल्यूज टू द नेचुरल या नेचुरल प्रोडक्ट ठीक है तो इसलिए आपको ये वन मार्कर एम के लिए याद रखना है ओके okay. नेक्स्ट आते हैं जो देखो ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे कॉटन मेकिंग कॉटन मिल होती है और है, शुगर इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे शुगर के अंदर शुगर बनाया जाता है सिर्फ शुगर नहीं जैगरी जिसको गुड़ कहते हैं वो भी बनता है शक्कर बनती है अलग अलग चीज़ें बनती है और जो क्लोथ मेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर स्पिनिंग यान वीविंग होती है क्लोथ्स के अलग अलग काम होते हैं तो इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं बड़ी बड़ी ठीक है अच्छे समय में तो और भी बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इसीलिए कई बार जो है

फैक्ट्री से थोड़ी ख़रीदेंगी टॉप तुम्हें अगर फ़ोन चाहिए था अपने लिए तुम फैक्ट्री से जाके या फिर शोरूम से जाके खरीदा था ना फैक्ट्री से जाके थोड़ी ख़रीदा था तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो करता है हमारा टर्सरी सेक्टर इट इंक्लूड्स ओनली द एक्टिविटीज़ विच ओनली प्रोवाइड द हेल्प एंड द सर्विस जो हेल्प एंड सर्विस करती है वही एक्टिविटीज़ इनमें इंक्लूडेड होती है और कई एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है जो हमें डायरेक्टली हेल्प नहीं करती हैं जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ने आपको नहीं लगेगा डायरेक्टली हेल्प करिए बट येस ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो आपके प्रोडक्ट्स जो है टाइमली किसी जगह पे नहीं पहुँचेंगे नहीं so तो तो सेक्टर तो सेक्टर आप समझ चुके हो तो सेक्टर में जो है कई बार हमें इनडायरेक्टली हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है जस्ट लाइक कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया डायरेक्टली आपको ट्रांसपोर्टेशन ने हेल्प नहीं कर रहा बट येस अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो टाइमली कोई भी प्रोडक्ट किसी जगह पर नहीं पहुँचेगा नेक्स्ट हो गया हमारा बैंकिंग आप सबके बैंक होंगे बैंक में आपके अकाउंट्स होंगे बैंक में आपके लॉकरस होंगे जब सेफली आप अपना घर का सामान एनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है आप अपना वहाँ पे रख सकते हो बैंक इज प्रोवाइडिंग यू सर्विंग एंड चार्जिंग यू मनी ठीक है ऐसे ही ट्रेड एग्जाम्पल्स आदि एंड सर्विस प्रोवाइडर में गाइज एग्जाम्पल्स है टीचर्स मैं क्या कर रही हूं मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं तो आई ऑल्सो कम अंडर द टर्सरी सेक्टर ठीक है डॉक्टर्स डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं यू पे दम फीस एंड वो आपको तबियत देखते हैं आपकी ठीक करते हैं आपको दवाई लिख के देते हैं डॉक्टर्स भी टर्सरी सेक्टर में आते हैं वाशोमैन कौन आपके घर में जितने भी हाउस में मेड आती हैं आपके कुक हो गए वो क्या कर रहे हैं यू आर पेइंग दम वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी टर्सरी सेक्टर में आते हैं बाबर्स कॉबल्स लॉयर्स एडमिनिस्ट्रेट Accountants, ये सब किस में 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 आते आते हैं हैं। हैं हमारे तो यहाँ पे आपको समझ आ गया करते हैं और टर्शरी जो है प्रोडक्शन नहीं करता है हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कभी इनडायरेक्टली और कभी डायरेक्टली ठीक है लास्ट अब हमने दे देखना है देखो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द थ्री सेक्टर देखो ये तीनों सेक्टर है ना आपस में जुड़े हुए हैं तीनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते ठीक है ऐसा नहीं है कि प्राइमरी बोले अरे मैं बहुत बड़ा हूँ मे, मे, मेरे बिना तो तुम्हारा तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता या सेकेंडरी बोले कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा हूँ या टर्शरी बोले कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा तीनों बिल्कुल ही इक्वल है वाई बिकॉज अगर कॉटन ही नहीं होगा किसान तो टॉप कहाँ से बनेगा है ना अगर वीट ही नहीं होगा किसान तो जो है बिस्किट्स कहाँ से बनेंगे हमारे लिए और अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं होगी तो उस रॉ एंड रॉ कॉटन का हम क्या करेंगे और अगर टर्चरी सेक्टर नहीं होगा तो टाइमली प्रोडक्ट्स हमारे पास कैसे पहुँचेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है उसमें कम्युनिकेशन इंक्लूडेड है आजकल हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते अपने लिए दैट कम्स इन द टर्चरी सेक्टर कम्युनिकेशन हो रही है इंटरनेट इंटरनेट टर्स सेक्टर में आता है तो इसलिए तीनों ही सेक्टर इंटर डिपेंडेंट है कोई एक दूसरे से ज़्यादा बढ़कर नहीं है ऑल द थ्री आर इक्वल अगर एक भी हटा दिया हमने तो हमारा काम नहीं चलेगा तो इसलिए फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड आर हाईली इंटर डिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ठीक है तो प्राइमरी सेक्टर है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी मेट सेक्टर जो है उसको एक फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्म देता है एंड टर्स सेक्टर जो है हमारे को जो है सर्विस प्रोवाइड करके जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास पहुंचा देता है ठीक है अब देखो यार so, ये हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने दैट इज कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर्स और कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर्स मतलब ये है कि कौन सा सेक्टर हमें ज्यादा पैसे और कितने पैसे कमा कर दे रहा है तो अभी मैं अपने लैंग्वेज में आपको क्या बता रही हूं कि कौन सा सेक्टर कितने पैसे दे रहा है प्राइमरी कितना दे रहा है टर्नरी कितना दे रहा है सेकेंडरी कितना दे रहा है बट तो अगर हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोले तो उसको बोला जाता है कि कौन से सेक्टर का कितना जी है आगे आप इलेवन ट्वेल्थ में कॉमर्स लोगे ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स लोगे तो आपको जी हमेशा याद होना

ये चीज आप जरूर याद रखना कि अगर इस डेफिनेशन में आपने फाइनल गुड नहीं देखा तो यू विल गेट जीरो मार्क्स बिकॉज देखो पी में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को काउंट करते हैं काउंट करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करते है. अब ये इंटरमीडिएट गुड क्या है जस्ट एग्जाम्पल ले लो आप मेरे इस टॉप का इस टॉप को लिए जो ये फाइनल गुड क्या है ये टॉप है बट इसका इंटरमीडिएट गुड या फिर रॉ मटेरियल क्या था वो फार्मर की बनाई हुई कॉटन तो जब भी हम जी में कैलकुलेट करेंगे किसी भी चीज को तो बस फाइनल गुड को करेंगे वो जो इंटरमीडिएट गुड था जैसे कि जो टॉप की कॉटन थी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे वाई बिकॉज इट विल लीड टू द डबल काउंटिंग और जीडीपी का जो मेजर करने का टास्क है वो कौन करता है सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस तो एमसीक्यू के लिए याद रखना दैट सी एस ओ सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस जो है हमारा वो जी हर साल हमारा कैलकुलेट करता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर इसमें कुछ टॉपिक हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स तो आज से अगर हम कम से कम सौ साल पहले की बात करें जब जितनी भी हमारी जो हमारे बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें मोस्ट ऑफ द कंट्री जो अपनी डेवलपिंग uh, स्टेज में थी उस समय पर अपने इनिशियल स्टेजेस में थी तो प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट था यानी कि सबसे ज्यादा जी जो था प्राइमरी सेक्टर से आता था बट देन धीरे जब हमारा एटीन सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने शुरू हुए उस समय पर जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है आज से आप मान लो सत्तर साल पहले पचास साल पहले जो है हमारा और भी बहुत पहले आप मान लो जब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए अलग अलग जो हमारी कंट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो था वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बट आज के समय पे आज से पंद्रह बीस साल पहले से जो आप मान लो कि जो टर्शरी सेक्टर है आज के समय पे सबसे ज्यादा जीडीपी जो है टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है हर एक इकॉनमी के अंदर चाहे वो हमारी कंट्री की हो चाहे वो किसी और कंट्री की हो मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज की दी में टर्शरी सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा है why? इसके बहुत सारे रीजन है वाई टर्शरी सेक्टर का जो जी है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज पहला रीजन देखो इसका ये है कि जैसे जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो रहा है तो टर्शरी सेक्टर भी डेवलप हो रहा है बिकॉज यू गैस नो ऑल द प्रोसेस इंटर डिपेंडेंट की अगर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है तो बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग जो है फाइनल ग्रोल गुड प्रिपेयर करेंगी अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पास फाइनल गुड है तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू वो हमारे पास पहुंचेगा तो फर्स्ट रीजन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप डेवलप हो हो रहा है। हो रहा है है इसलिए सेक्टर एंड धीरे धीरे जैसे लोगों के इनकम लेवल राइज हो रहे हैं लोगों को अलग अलग जो सर्विसेज है उनकी जरूरत पड़ी है जैसे कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप सोच रहे हो कि आई सेव माई टाइम फॉर माई वर्क और मैं अपने घर में जो है काम के लिए अपने लिए कोई मेड रख लेंगे कुक रख लेंगे ठीक है तो यू आर टेकिंग सर्विसेज ठीक है आपके पास पैसा आ रहा है तो आप लोगों के

सेक्टर में, तो आज के जमाने में various reasons की वजह से टर्सरी सेक्टर का GDP जो है है। है है, वो होता जा रहा रहा तो GDP तो हमें समझ में आ गया है कि सेक्टर का ज़्यादा हो बट देखना है अभी यहाँ पे हमें द एम्प्लॉयमेंट कि जीडीपी तो हमें टर्सरी सेक्टर ज्यादा दे रहा है बट पैसा के साथ में एम्प्लॉयमेंट भी देखेंगे कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है सो लेट एस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक टाटा नेक्स्ट टॉपिक दैस इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है और कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा जी डी पी प्रोवाइड कर रहा है एंड साइड बाई साइड कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो अगर हम नाइनटीन सेवेंटी सेवेंटी थ्री से देखें तो अगर अभी टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन तक का टाइम पीरियड देखें तो हमारी कंट्री के अंदर तीनों ही सेक्टर्स ने बहुत डेवलपमेंट आई है यानी कि तीनों ही सेक्टर ने प्रोडक्शन इंक्रीज करा है चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो टर्सरी हो तीनों ने ही जी डी पी जो है उसमें बढ़

आ सकते हैं दैट क्यू सेक्टर जो है इतना ज्यादा डेवलप हो जा रहा है तो फर्स्ट रीजन इसका यह है देखो कि हमारी कंट्री में जो है टर्सरी सेक्टर सर्विसेज आजकल इंक्रीज हो रही है जैसे कि नए नए हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक प्राइवेट स्कूल्स स्कूल्स आर देयर एंड योर पब्लिक आर स्कूलो देयर कॉलेजेस आर देयर पब्लिक यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये सब क्या करिए हमें सर्विसेज प्रोवाइड पे टीचर्स जाते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है दे आर ऑल्सो गिविंग अ सर्विसेज तो इसलिए टर्सरी सेक्टर का जी जो है इंक्रीज होता जाता है रहा है टेलीग्राफ सर्विसेज अब जो पोस्ट एरिया पोस्टेज होती है ठीक है पोस्ट ऑफिस हो गए वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे रहे हैं बनते जा रहे है, तो सो मेनी विद इन वन सिटी एक सिटी में ही पता नहीं, पता नहीं नहीं कितने बैंक्स होते हैं अगर आप बिग सिटी की बात करो तो किसी की सिटी में फिफ्टी टू हंड्रेड बैंक भी हो सकते हैं समझ गए आप कोई छोटा कोई बड़ा कोई प्राइवेट कोई पब्लिक तो इसीलिए जो है हमारा टर्सरी सेक्टर से पी बढ़ता जा रहा है बहुत सारे है ट्रांसपोर्ट अब आपको कुछ भी करना है अगर आपको इधर से उधर जाना है यू हैव टू गो टू एनी टाउन एनी सिटी स्कूल जाना है हर चीज़ के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है तो इसलिए टर्सरी सेक्टर का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है जीडीपी इंक्रीज होता जा रहा है सेकेंड रीज़न टर्सरी सेक्टर से जीडीपी इंक्रीज क्यों हो रहा है उसका रीज़न सेकेंड ये है दैट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यानी कि सेकेंडरी सेक्टर राइज हो रहा है ठीक है आज के समय पे एग्रीकल्चर से भी प्रोडक्शन इक्रीज़ हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो जब डेवलपमेंट सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर में आता है तो अपने आप अप टर्सरी सेक्टर में राइज होता है जैसे कि ये जो कॉटन है जो फार्मर ने बनाई है वो उसने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले को दे दी तो उससे क्या हो रहा है जब तक टर्सरी सेक्टर वाला नहीं होगा तब तक वो हमारे पास कैसे पहुंचेगी तो इसलिए जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज़ होता है सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज़ होता है तो टर्सरी सेक्टर की तो ज़रूरत है हमारे को सर्विस तो हमें वही प्रोवाइड कर रहा है तो अपने आप सेकेंड टर्सरी सेक्टर में भी राइज आ जाता है है तो मैंने आपको बताया इंटर डिपेंडेंट है अगर प्राइमरी सेक्टर अगर किसी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर लेवल बहुत हाई हो गया है तो उसका इंपैक्ट उसके दोनों बाकी दोनों सेक्टर्स पर भी पड़ेगा अगर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है आपकी कंट्री में ठीक है हम एक कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फैक्ट्रीज लग गई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उसका जो फायदा है टर्सरी सेक्टर को भी मिलेगा क्यों बिकॉज जितना भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में जो है बनेगा वो टर्सरी सेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को पहुंचाएगा ठीक है थर्ड थिंग थिंगज़ जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल जो है राइज़ हो रही है तो जो सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी इनकम राइज़ हो रही है पहले ज़माने में ना बहुत गरीबी होती थी यानी कि बहुत कम लोग होते थे जो अमीर है आजकल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास और रिच एंड अपर रिच सो सो रिच बहुत ज्यादा हमारी क्लासेस बन गई आजकल इनकम लेवल लोगों के राइज़ हो चुके हैं अब इनकम होती है तो सेविंग भी होती है अगर आपके पास सेविंग हो तो भैया तुम्हें रोज़ अच्छा अच्छा खाना खाना है पिज्ज़ा खाना है महंगे महंगे फ़ोन खरीदने हैं बोर हो रहे हो तो भैया मनाली घूमने जाना है तुमने टूरिस्ट हो गया और आजकल तो फॉरेन कंट्री जाना है तो जब भी आप इधर से उधर रिक्रिएशन के लिए जा रहे हो तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सर्विसेज आपको यूज करनी ही पड़ती है लाइक ईटिंग आउट टूरिज्म शॉपिंग अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो आ, पढ़ाई कर रहे हो स्कूल से देन ऑल्सो यू टेकिंग अ प्राइवेट कोचिंग प्राइवेट ट्रेनिंग कुछ भी तो इसलिए जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती है सेविंग्स हमारी बढ़ती है तो हम उसको कहीं ना कहीं खर्च करते हैं और इससे टर्चरी सेक्टर में हमारा जो है शेयर चला जाता है एंड लास्ट थिंग क्या है ओवर द पास्ट डेकेज ये इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जैसे राइज आया है देयर आर सो आज से इवन आई रिमेंबर जब मैं छोटी बच्ची थी देर वॉज नथिंग लाइक व्हाट्सएप नो ऐप्स मुझे अगर कुछ चाहिए तो आई कैन नॉट ऑर्डर ऑनलाइन की एक से दो दिन में, में मेरे पास वो तो चीज़ पहुँच गया आई एव टू वेट फॉर टेन टू फिफ्टीन डेज जब हम मार्केट जाएंगे कुछ लेकर आएंगे बट यू नो आज के समय पर क्या है एवरी इज ऑनलाइन

प्रोवाइड करता है बट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता मतलब कि आप मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा रही हूँ ग्राफ जो आपकी बुक में गिवन है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दैट जीडीपी जो है हमारा टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है बट एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी तो टर्सरी सेक्टर कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है हमें ये शो हो रहा है दैट एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी जो एम्प्लॉयड है वो अंडर एम्प्लॉयड है यानी कि उनको वहाँ पर ज़रूरत नहीं है उनके एग्रीकल्चर में अगर हम उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के किसी और सेक्टर में भी डाल देंगे तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के जीडीपी पे फर्क नहीं पड़ेगा दिस इज द सिचुएशन ऑफ अर कंट्री हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट है इसकी वजह से क्या हो रहा है एक हिडन टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है दैट दिखने में तो हमें लग रहा है अच्छा ठीक है इतने लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है इतने लोग सेकेंडरी में इतने लोग टर्सरी में है बट अंडर ने क्या है सबसे ज्यादा जी तो टर्सरी सेक्टर दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर जितना जी दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो ना के बराबर काम करे अगर उन्हें वहां से हटा भी दे तो भी एग्रीकल्चर के जीडीपी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमारी कंट्री के लिए सबसे चैलेंजिंग एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क क्या है टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट तो कैसे हम कितनी जेनरेटेडी फोर परसेंट सेकेंडरी में सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड टर्सरी में थर्टी वन परसेंट और टर्सरी का जो होता है, ये भी होता है सारे किसी हाई स्किल्ड जॉब में इन्वॉल्व नहीं होते हैं टर्सरी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द सेक्टर में कोई ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है या फिर कोई कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं तो हाई स्किल्ड होते हैं जो बड़े बड़े MNCs में आप मान लो या बिग बिग हाई स्किल्ड जॉब कर रहे हैं बाकी सब मिनिमम लेवल की जो टर्शरी सेक्टर की जो भी कोई एक्टिविटीज होती हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं और यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय प्राइवर्टी फोर परसेंट एम्प्लॉयड में देता है यानी कि 44 फोर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है चाहे वो एग्रीकल्चर हो माइनिंग हो एनिमल हस्बेंड्री हो बट जीडीपी सिर्फ 10 से 20 परसेंट दे रहा है ठीक है यहाँ सेकेंडरी की बात करें तो 25 परसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और जीडीपी 30 थर्टी टू फोर्टी और यहाँ टर्सरी सेक्टर की बात करें तो थर्टी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और जी में चालीस से सौ का हिस्सेदार ये है बट यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो फोर्टी दे रहा है बट जी देखो यार बस दस से बीस का यही मेन कोर प्रॉब्लम है इंडिया की एंड इसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट ये फोर्टी फोर परसेंट जो हमारी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है अगर इनको हम निकाल के में ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीडीपी पर जीडीपी दस से बीस ही रहेगा ये जो इतने सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है दे आर अंडर एम्प्लॉयड इसको क्या बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है ये छुपे हुए हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई इनका योगदान नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इनको हम यहां से निकाल के किसी और प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाएंगे तो हमारा जीडीपी एनप्लॉयमेंट दोनों ही राइज होगा लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाउ टू क्रिएट मोर पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं और कैसे हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को बाहर निकाल के जो है टर्स सेकेंडरी में लेकर आए और कैसे जीडीपी को ज्यादा इंक्रीज करें और साथ ही के साथ अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में से हटाए तो लेट अस स्टार्ट स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट तो बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे क्या बता रखा है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वैन अ पर्सन इज विलिंग टू डू द वर्क बट अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं एंड इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम इन इंडिया तो अभी अभी हमने देखा था डेट एग्रीकल्चर जो है वो डी जी तो बहुत कम दे रहा है बट एम्प्लॉयमेंट उसमें बहुत ज्यादा हो रखी है फोर्टी फोर परसेंट पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बजट ही पेज ओनली टेन टू ट्वेंटी परसेंट तो ये हमें यह शो करा है कि उन फोर्टी फोर परसेंट जो पॉपुलेशन एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में अगर हम उन्हें हटा के किसी और सेक्टर में भी डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दे आर नॉट प्रमोटिंग टुवर्ड्स दिस सेक्टर एंड इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है एट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है छुपी हुई तो इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं वाई बिकॉज इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो ये एक पीस ऑफ लैंड है यानी कि एक ये खेत है इस पर जो है दस लोग काम कर रहे हैं और सौ क्विंटल वीट जो है वो उगा रहे हैं अगर यहाँ पे पाँच लोग काम करेंगे तो भी ये जो खेत है ये सौ क्विंटल वीट ही उगा सकता है तो बाकी के जो ये पाँच लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्वॉल्व है वो डिजगाइली अनएम्प्लॉयड है उनकी इस फार्म पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ नहीं होना पाँच जने मिलकर भी उतना ही काम करके उतना ही वीट उगा सकते हैं और दस जने मिलकर भी उतना ही काम करके वही सेम अमाउंट ऑफ वीट उगा रहे हैं तो ये जो पांच जने हैं ये अनएम्प्लॉयड है अगर हम इनको यहां एग्रीकल्चर से हटा के किसी और प्रोडक्टिव सेक्टर में लगा देंगे जैसे कि इन्हें मैन्युफैक्चरिंग या टर्सरी में लगा दिया तो ये जो है इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी प्लस हमारा जो है जी भी इंक्रीज होगा तो ये जो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है ये सबसे ज्यादा हमारी प्राइमरी सेक्टर में पाई जाती है लक्ष्मी के एग्जाम्पल से आपकी बुक में गिवेन है है, तो एम्प्लॉयमेंट इज वेरी एग्रीकल्चर में जो 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 है 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 यानी कि कि ऊपर से देखोगे आप तो आपको लगेगा अच्छा 44 लोग जो है, 44 लोग जो है, वो में बट अगर हम इंटरनली जाके देखें तो जीडीपी नहीं आ रहा जी नहीं आ रहा है मतलब कि उनके वहां एम्प्लॉयड होने से कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो क्या करें हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या होना चाहिए जिससे कि जो है इंक्रीज़ हो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द वेरियस सेक्टर्स तो इसीलिए जो है एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए और साथ ही के साथ जो एम्प्लॉयड हैं जैसे कि जो डिसगैनसली एम्प्लॉयड है है ना अब जो एग्रीकल्चर में वो पांच एक्स्ट्रा जनेब जो फार्म पे एम्प्लॉयड थे उनकी नॉलेज कैसी है गैस उन्हें एग्रीकल्चर वाला काम करना आता है अब उन्हें एकदम से हम उठा के टर्शरी सेक्टर में डाल देंगे तो वो क्या करेंगे तो इसीलिए जो है सेकेंडरी में डाल सकते हैं उनको टर्शरी में तो नहीं डाल सकते है. तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ऐसा वर्क करना चाहिए जिससे कि जो फाइव टू सिक्स जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया जितने भी लोग डिस्गाइजली एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में है वो अपने लिए जो है अलग एक जॉब ढूंढ सके विद इन दैट सेक्टर ओनली या अनदर सेक्टर तो उससे क्या है सबसे जरूरी चीजें कि जो सिचुएशन है अनएम्प्लॉय की जो सिचुएशन है ये सेकेंडरी सेक्टर में भी देखी जाती है फॉर एग्जाम्पल इन सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप बोलो या तर्सी सेक्टर बोलो जिसमें आपको तो एग्जाम्पल बुक में दिया गया है ऑफ प्लम्बर्स ऑफ ड्राइवर्स ऑफ यू कैन से दैट पेंटर्स और जॉब्स और, और जो भी लोग करने को तैयार होते हैं फॉर मनी उनको रोज रोज जैसे कि कोई आपका uh, इलेक्ट्रिशियन हो गया जिसको बिजली का कुछ सामान ठीक करना आता है प्लम्बर हो गया जिनको सही करना आता है कारपेंटर हो गया उन्हें हर समय जॉब नहीं मिलती है उनकी फिक्स जॉब नहीं है दैट एवरी डे दे विल गेट वर्क उनको साल में किसी किसी दिन पे जॉब मिलती है डेली की उनके पास वेज का कोई साधन नहीं होता है तो इसीलिए इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट भी सेकेंडरी एंड टर्सि सेक्टर में देखी जाती है तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करे जिससे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट इक्रीज करनी है साथी साथ ही साथ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है और वो जो डिस्डली अनएम्प्लॉयड फार्मर्स हैं उनको जो है अच्छे तरीके से एम्प्लॉय करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो है चीप रेट्स पे जो है सीड्स प्रोवाइड करने चाहिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना चाहिए सो so दैट वो जो है एक लैंड खरीद कर खुद की फार्मिंग करे एंड प्रोडक्शन करे डिस्गज एम्प्लॉयड नहीं हो साथ ही के साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है नियर द आप कह सकते हो सेमी रूरल एरियाज लगा देनी चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी जैसे कि आप एग्जाम्पल लो ये शुगर केन के बहुत बड़े बड़े खेत है इसके पास में अगर एक शुगर मिल लग गई तो यहां पे शुगर मिल के अंदर चीनी गुड़ जैगरी और शक्कर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी तो जितने भी इस फार्म के ऊपर अनएम्प्लॉयड लोग थे वो आराम से जाके शुगर मिल में जाके जॉब कर सकते हैं तो इसलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए नियर द फार्मिंग एरियाज ओनली एक कोल्ड स्टोरेज खोल देना चाहिए जहां पर जो है बड़े सारी आप कह सकते हो पोटैटो अनियन पीस मटर जो होते हैं उनको स्टोर कर सके तो आप कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे तो कुछ ड्राइवर्स चाहिए होंगे जो ट्रांसपोर्ट करेंगे पोटेटो को और बाकी सब चीजों को कोल्ड स्टोरेज में कोई ऐसे लोग चाहिए होंगे जो फ्रिजेस के अंदर उस सामान को रखेंगे कोई वॉचमैन वहाँ पे चाहिए होगा जो देख रेख करेगा उस जगह की तो अलग अलग तरीकों से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा सकती है एंड गवर्नमेंट हैव टू हेल्प इन दिस और जो विलेजेस है जो नियर फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर्स लगाए जा सकते हैं फार्मर जो है हनी कलेक्ट करके वाइल्ड हनी सेल कर सकते हैं इंपोर्ट भी होते हैं वाइल्ड हनी एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं वाइल्ड हनी ओके दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरली इन द

अगर वो एजुकेटेड होगी विद इन द एजुकेशन सेक्टर ओनली जो है बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकते अगर कोई हो doctor, teacher, lawyer, और आज के समय जनरेट होगी तो, हो तो फर्स्ट चीज क्या है शहरों के अंदर एम्प्लॉयमेंट लानी है तो हमारे को अच्छे से अच्छे स्कूल्स की जरूरत है एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करने की जरूरत है एजुकेशन क्वालिटी अगर इंक्रीज होगी तो हाईली स्किल्ड हमारे आई टी सेक्टर के लिए जो है हमारे इंजीनियर्स रेडी हो सकते हैं जिससे कि वो भी जो है अच्छे से अच्छी जो अलग अलग टेक कंपनीज़ है वहाँ पे जॉब करके अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं तो अगर शहरों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो भी हमें एजुकेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा उससे अपने आप अप सारे रास्ते खुल जाएंगे यानी इवन एग्रीकल्चर जो अगर आप प्राइमरी सेक्टर बोलो या रूरल एरियाज़ बोलो वहाँ पर भी अगर हम लोग जो है स्कूल्स बनाएंगे तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगी कि जो गाँव के लोग हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ना जाए वो भी अलग अलग एक्टिविटीज़

गवर्नमेंट का काम है सौ दिन की अशोर्ट एम्प्लॉयमेंट आपको देगी वो आपको जो काम करना होगा आपकी स्किल्स के बेसिस पर गवर्नमेंट आपको हंड्रेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी एंड इनकेस अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है ंड्रेड डेज के शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करने में तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको मिलेगा यानी कि अगर आप एक फार्मर हो आपके पास कोई जॉब नहीं है बट येस यू आर वेरी केपेबल यू कैन डू द वर्क तो आप मनरेगा के तहत जो है अपने लिए जॉब मांग सकते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर हंड्रेड डेज अब अगर गवर्नमेंट जो है फेल हो जाती है गवर्नमेंट के पास कोई काम नहीं है आपको देने के लिए सौ दिन का यू आर स्किल्ड यू कैन डू वर्क तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी गवर्नमेंट आपको अलाउंस यानी कि पैसा दे देगी उस सौ दिन की जॉब का काम नहीं था तो आपको काम तो नहीं

आ सकते हैं कि कौन से सेक्टर के क्या स्पेशलिटी है क्या इसमें होता है नहीं होता है तो लेटेस्ट तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स को फॉलो करता है तो अगर कोई फैक्ट्री है कोई फर्म है कोई कंपनी है अगर वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के दिए गए रूल्स को फॉलो कर रही है तो उसको हम और, ऑर्गेनाइज सेक्टर में डालते हैं यहाँ पे जो है जितने भी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उनके पास एक जॉब की सिक्योरिटी होती है कि विदाउट एनी रीज़न किसी भी समय उनको जॉब से बाहर नहीं निकाला जा सकता दे हैव फिक्स्ड वर्किंग आर इनका वर्किंग आर फिक्स्ड होता है यानी कि अगर इनकी शिफ्ट नाइन ओ क्लॉक को ख़त्म हो रही है तो उनको ओवर टाइम करने के लिए नहीं बोला जाएगा और अगर ओवर टाइम कराया जाता है तो उसका पैसा दिया जाता है नेक्स्ट समटाइम्स पेड हॉलीडेज आर ऑल्सो गिवन लाइक संडे हो गया एंड सर्टेन हॉलीडेज़ uh, दी जाती है घूमने फिरने के लिए अगर आपको ट्रिप के लिए फॉर रिक्रिएशन की एम्प्लॉयज़ जो है वर्क uh, कर करके भी बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्टेट जो है उसके लिए अगर रिक्रिएशन के लिए जो है पेड हॉलीडेज़ भी जा, दी जाती है एंड पेंशन इज ऑल्सो गिवन अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स बैंक्स स्कूल्स यहाँ पे जितने भी जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से एम्प्लॉयड होते हैं अब बातें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की चीज़ों के आगे जो इनकी स्पेशलिटी थी उसके आगे नो 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 लगा दो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट और किसी रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं जो भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है आप अपने घर के पास वाले शॉपकीपर की दुकान ले लो वहाँ पर अगर एक छोटा अट्ठारह उन्नीस या पंद्रह साल का अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है काम कर रहा है वो जो शॉपकीपर है उसका जब मन करेगा उसे जॉब से निकाल सकता है नो फिक्सड वर्किंग और किसी दिन सुबह जल्दी बुला लेगा किसी दिन रात को देर तक काम करवाएंगे एंड वर्किंग कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं होती है नो स्पेसिफिक वॉशरूम सर्दीयर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं होती है जैसी कंडीशन मिलती है वैसे में उसे काम करना पड़ेगा नो पेड हॉलीडेज अगर एक दिन की छुट्टी मारिए तो पैसे कटते हैं इनफैक्ट और इसके एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर आता है सबसे पहले दिस इज काइंड ऑफ अ जॉब जिसमें कोई जैसे एग्रीकल्चर के शेयर क्रॉपर्स हो गए शेयर क्रॉपर्स हार्वेस्टर्स जो बड़े बड़े फार्मर्स के लैंड पे जाके काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में ब्लैक स्मिथ हो गए हमारे और भी बहुत सारे लोग जो प्राइमरी लेवल सेक्टर में काम करते हैं और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो उन्हें ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ती है अर्बन एरिया में फैक्ट्री जो होती हैं और जो गवर्नमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं होती है उसमें जो भी लोग फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं आपने देखा फैक्ट्री बंद हो गई और बेचारे लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए और फिर वो क्या करते हैं कोई काट कोई ठेला वेला खरीदते हैं और कोई सब्जी बेचने वाले बन जाते हैं अलग अलग वेंडर्स बन जाते हैं एंड और कहीं देखो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये बहुत कम एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर रहा है तो इसलिए लोग फोर्सफुली इवन एजुकेटेड लोगों को आज के समय में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके जॉब करनी पड़े बिकॉज यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट हो रही है तो अब गवर्नमेंट क्या करे तो कि, तो कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व है उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करे हमारी गवर्नमेंट तो अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो किस टाइप के वर्क करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग इन रूरल एरियाज़ तो वो इन्वॉल्व होते हैं या तो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं छोटे मोटे फार्मर्स किसी के लैंड पे काम करें शेयर क्रॉपर्स हो गए आर्टिसन्स होते हैं जैसे कि वीवर्स हो गया कोई ब्लैक् स्मिथ हो गया कारपेंटर हो गया गोल्ड स्मिथ हो गया तो ये गाँव में पाए जाते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं नो फिक्स जॉब सिक्योरिटी कभी काम है कभी नहीं है वेजेस है नहीं है ठीक है इस टाइप से आप समझ लो और अगर हम अर्बन एरिया की शहरों की बात करें तो किस टाइप के लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व है इन आर our... टाउन्स या फिर आप बोल रहे शहरों के अंदर तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें जितने वर्कर इन्वाल्व है कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है फ्लैट बन रहे हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसमें जो वर्कर्स इन्वॉल्व है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की अगर कोई कंपनी है उसमें जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उनको ट्रक ड्राइवर्स हो गए और जो हमारे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट जो हमारे अलग अलग व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने वाले हो गए वो हो गए और हमारा क्या अंदोज हु वर्क एज अ स्ट्रीट वेंडर्स तो मैंने आपको बताया ना वो जब उनको बिल्कुल जॉब नहीं होते किसी के बाद वो ठेला ले, ले लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स बन जाते हैं हेड लोड वर्कर जो सर पे रख के सामान इधर से उधर लेके जाते हैं गारमेंट मेकर रैक पेकरस इस टाइप से लोग जो है हमारे अनएम्प्लॉयड भी होते हैं एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं इन द अर्बन एरियाज़ तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कहना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करें सर्टेन रूल्स बनानी चाहिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी फॉलो करें जैसे अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो ट्रेड यूनियंस बनवानी चाहिए एंड कुछ रूल्स देने चाहिए जिसको फॉलो किया जाए इवन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर और गवर्नमेंट जो है उसको चीप रेट्स पे जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर की अगर किसी को अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो उससे क्रेडिट लेके जो है कर सके एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इसमें गिवन है एंड बैकवर्ड क्लासेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी हेल्प तो के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए ओके okay. तो विदापिक भी कंप्लीट हो गया अन ऑर्गेइज सेक्टर क्या है गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करनी चाहिए क्रेडिट देकर गवर्नमेंट रूल्स बनाकर अन ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंड ओबीसी हमारे ऐसी को प्रोटेक्ट करके अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप पहले हमने क्या पढ़े थे सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कौन से ऑर्गेनाइज है और कौन से अनऑर्गेनाइज है अब हमें अब क्या पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ओनरशिप के बेसिस पे आता है हमारा पब्लिक सेक्टर यानी कि इसको सरकारी बोला जाता है पब्लिक सेक्टर क्या है सेक्टर विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट चलाती है उसको हम क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर ये प्रॉफिट ओरिएटेड नहीं होता है ये गवर्नमेंट के थ्रू चलता है तो ये प्रॉफिट नहीं होता है इसका मेन मोटिव क्या होता है टू सर्व प्रोवाइड द सर्विस टू द पब्लिक और पब्लिक वेलफेयर के लिए एंड इवन फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एग्जाम्पल में हमारा रेलवे हमसे बहुत मिनिमम चार्ज लिया जाता है रेलवेज़ का रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती है पब्लिक हमारी फैसिलिटी है अगर यही रेलवे अगर कोई प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करी होती तो बहुत ज़्यादा पैसे जैसे हमें देने पड़ते ना कई प्राइवेट एयरप्लेन्स के अंदर बहुत पैसे लगते हैं टिकट के वैसा हमारक को करना पड़ता पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी मिनिमम रेट्स में हमें प्रोवाइडेड होती है वही अगर कोई पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी हमारी प्राइवेट सेक्टर से अगर आप कोई कोरियर वगैरह कराते हो तो वहाँ बहुत पैसा लगता है हमारा बी एयर इंडिया बीपीसीएल आईओसी बी एचल एक्सेट्रा आर द एक्साम्पल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर की दो बातें याद रखनी है क्या है के ऊपर चलती है पब्लिक सेक्टर की चीज़ें प्रॉफिट ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं होती है एंड ये क्यों होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी लोअर कॉस्ट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पे या तो लोअर कॉस्ट पे करेंगी या फ्री ऑफ कॉस्ट पे करेंगी नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर द सेक्टर विच इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर यानी कि या तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल का है या एक प्राइवेट कंपनी का है तो वो प्राइवेट सेक्टर हुआ इनका मेन मोटिव क्या है प्रॉफिट मेकिंग अन प्रॉफिट वो आपके भले के लिए काम नहीं करें वो अपनी भरने के लिए अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं इनमें प्राइसेस हाई होते हैं फॉर एग्जाम्पल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी विप्रो और बहुत सारी रिलायंस ने पब्लिक सेक्टर और इसमें हमें बताया गया है कि अगर आपने कभी सोचा है कि क्यों जो इतनी बेसिक फैसिलिटीज है लाइक like अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड इफ यू हैव टू गो समवेयर वी आर हैविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे सिस्टम इज़ देयर इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे कम्युनिकेशन के लिए क्यों ये सब सर्विसेज जो है हमारे को गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है तो पहली चीज़ देखो इसका हमें आंसर गिवन है दैट गवर्नमेंट जो है हमारे से टैक्सेस लेती है ठीक है गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेती है तो इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करे वो हमें वाटर प्रोवाइड करे ऑन मिनिमम और लोअर कॉस्ट ठीक है इस तरीके से ये पहले तो गवर्नमेंट की रिस्पॉसिबिलिटी है कि वो हमें ये सब प्रोवाइड करे सोचा आपने कभी कि इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट देती है वाटर जो है आपके यहाँ गवर्नमेंट देती है आप वाटर का बिल भरते हो जरूर बट बहुत मिनिमम होता है वो तो वो गवर्नमेंट ही क्यों करती है कोई प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं है तो इसका आंसर बेसिक ये है प्राइवेट कंपनी इसलिए नहीं है देखो क्योंकि पहले तो इन चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वाटर जो है पहुंचने में और अगर हम बात करें किसी और इम्पोर्टें रेलवेज में इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए रेलवे जितनी लाइन्स हमारी बनती हैं जितनी इधर से उधर ट्रैक्स जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनती है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत पैसा चाहिए जो गवर्नमेंट्स के पास ही होता है इतना पैसा किसी प्राइवेट कंपनी पे नहीं होता है एंड सपोज करो आप अगर प्राइवेट कंपनी पर इतना पैसा आ गया वो अपनी रेलवे लाइन शुरू कर दे या अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी शुरू कर दे अगर इतना पैसा हमारी किसी प्राइवेट कंपनी पर आ भी गया तो वो क्या करेंगे हमारे से बहुत हैवी अमाउंट ऑफ जो है आप कह सकते हो चार्ज करेंगे उससे जो है सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम होगी तो इसीलिए जितनी बेसिक नीड्स होती है जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर पोस्टेज हो गया हमारा रेलवेज हो गया ये हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करे तो हमारे लिए अच्छा है बिकॉज़ अगर ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में आ गई तो हमार को जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत महंगा होगा पहली चीज़ तो है क्यों नहीं होती है बिकॉज लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही करती है और अगर पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर पैसा जुगाड़ कर भी ले इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए जैसे लाइक रोड्स हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई ड्रेनेज हो गई वाटर हो गई इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो वो उसके लिए हमारे से बहुत हैवी चार्जेस लेंगे और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर आप कभी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो तो हमेशा कोई ना कोई हाईवे आता होगा कोई फ्लाई ओवर आता होगा कुछ फ्लाई ओवर ऐसे हैं आप वहाँ से चले जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती डोंट गिव एनी मनी बट कुछ फ्लाई ओवर्स या आप कह सकते हो हाईवेज ऐसे होते हैं बहुत अच्छी सड़क बनी होती है जहाँ पे एक टोल प्लाजा की होता है और आपको रुके वहाँ पे टोल देना पड़ता है हैं। तो कोई जो टोल्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए गए होते हैं यानी कि कोई सड़क अगर कोई प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई गई होती है तो वहां पर जब हम चल के जाते हैं तो पे हमें टोल देना पड़ता है डेढ़ सौ दो सौ रुपये एक बारी का ही टोल हो जाता है इतना चार्ज हमारे से कर लिया जाता है बिकॉज वो किसी प्राइवेट कंपनी ने बना रखा होता है वहीं पे अगर गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो मिनिमम टोल लेती है या बिल्कुल भी नहीं लेती है इसीलिए हमारे लिए बेस्ट ये है कि जितनी सर्विसेज पब्लिक सेक्टर हमें प्रोवाइड करेगा उतना सिटीजन्स के लिए अच्छा है बिकॉज पब्लिक सेक्टर वर्कस ऑन नो प्रॉफिट एंड पब्लिक वेलफेयर ओके तो पब्लिक सेक्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है प्रोवाइड करती है जस्ट लाइक रोड्स जस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड योर रेलवे में तो मोनोपोली है एंड योर वाटर uh, ठीक है लाइट ड्रेनेज एक्सेट्रा और जब हमारे को गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड करेगी प्रॉपर रोड्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर वाटर रिसोर्सेस प्रॉपर ड्रेनेज प्रॉपर लाइट तो उससे क्या होगा उससे बूस्ट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को और उससे जो है हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट आएगा तो विद दिस हमारा ये फुल चैप्टर गाइस कंप्लीट हो गया है आपको आई होप समझ में आ गया एक बार चैप्टर को वाइंड अप करते हैं ओके सो लेट्स रिवाइज आ चैप्टर तो देखो सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा दैट तीन सेक्टर्स होते हैं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ठीक है फिर हमने क्या पढ़ा दैट हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर है कौन कितना पैसा हमारे को कमा के दे रहा है उसमें हमने जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा जी के कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आया क्या कि प्राइमरी सेक्टर का जी बहुत कम है सेकेंडरी का मिडेवल है और टर्सरी सेक्टर हमें बहुत जी दे रहा है तो फिर हमने इंडियप जाकर देखा अच्छा भाई टर्सरी बहुत जी दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा तो जी दे रहा होगा हमारा टर्सरी सेक्टर होगा बट वेन हमने एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देखा तो हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड पीपल एग्रीकल्चर में इतने लोग एम्प्लॉयड है और वो हो वहां पे ना हो कोई फर्क की बात नहीं है इसलिए हमारी सोसाइटी में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर हमने क्या पढ़ा वॉट इज अनएम्प्लॉयमेंट और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है इसमें मनरेगा आपको याद रखना है आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि जितने लोग एम्प्लॉयड है इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं देन वी स्टडी इट कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए लॉज बनाने चाहिए गवर्नमेंट रूल्स बनाने चाहिए एंड वॉट क्या पढ़ा हमारा क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ क्या ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वो होते हैं पब्लिक सेक्टर वाले जिसमें एसेट पब्लिक सेक्टर ओन करता है यानी कि सरकार ओन करती है और प्राइवेट वाला कौन सा है जिसमें एसेट जो है हमारी कोई प्राइवेट कंपनी ओन करती है पब्लिक सेक्टर नो प्रॉफिट एंड पब्लिक वेलफेयर पे चलती है मिनिमम कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट पे हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलते हैं सरकारी जगहों से सरकारी किसी कंपनी से सरकारी सेक्टर से बट वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो पर्टिकुलरली प्रॉफिट पे चलती है फॉर एग्जाम्पल रिलायंस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए चलती है and लास्ट हमने क्या पढ़ा वाई पब्लिक सेक्टर शुड प्रोवाइड हज मोर एंड मोर सर्विसज क्यों पब्लिक सेक्टर

पे मिल जाएंगे आई डी गिवन गिवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको नोट्स चाहिए एमसी चाहिए इंग्लिश के भी एस के भी एन इवन साइंस के भी तो मेरी इंस्टाग्राम आई आप चेक कर सकते हो नोट्स हैं बहुत अच्छे पी डी फॉर्मेट पर गिवन है इंस्टा पे आप जाकर डाउनलोड करके प्रिंटआउट्स निकलवा सकते हो एमसी क्यू क्वेश्चन देयर तो जाके आप इंस्टाग्राम आई डी से स्टडी मटीरियर दे सकते हो और को बाकी चैप्टर्स पढ़ने जस्ट लाइक एस एस टी का फुल सिलेबस ये इंग्लिश का चाहिए साइंस के एम्स की चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो ऑल द प्लेन आर गिविन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो एंड स्टडी फॉर माई चैनल तो विद दिस बै टेके बेस ऑफ वर्क एंड आल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो